हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं? आई होप अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैं आपके लिए हमेशा एक वीडियो लेकर के आता रहता हूँ, तो वैसे ही आज एक कंटेंट और है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास एक नोकिया का फ़ोन है, नोकिया का 6.1 प्लस ये मॉडल है, जैसे कि आप देख सकते हैं। तो ये सारे स्टेप बाय स्टेप मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो अगर आप इस चैनल में नए हैं तो प्लीज़ जाइए, इसे लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। और ये दूसरी चीज़ कि ये फ़ोन आप देख रहे हैं स्टक लोगों पर है, और इस कंटेंट आप देख सकते हैं, ये हमारा 6.1 मैं आपको जूम करके दिखाना चाहूँगा। ये देखिए TAG1083 मॉडल है, जो कि इसका है 6.1 प्लस है, मॉडल नंबर है। तो इसकी ये हैंग उन लोगों पे है फ्रेंड्स, तो इसको हम प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करेंगे। तो 1 मिनट तक रखते हैं, देखते हैं क्या पता बूट ना हो रहा हो। और कोई भी, मैं अपने चैनल में फेक वीडियो नहीं बनाता हूँ फ्रेंड, जैसा कि आप हमेशा जानते ही हैं। तो वैसे ही मैं आज आपके लिए कंटेंट लेकर के आया हूँ, और यही काम मैं आपको करके दिखाने वाला हूँ। तो आप देख सकते हैं ये अभी भी लोगों पे है, तो थोड़ा सा और वेट करते हैं क्या ये एक्चुअल में लोगों पे है कि नहीं। तो इसका फ्रेंड हम सोल्यूशन देने वाले हैं, तो इसके सोल्यूशन को आप, तो ये अभी भी लोगों पे है, और फ्रेंड इसका सोल्यूशन हम करेंगे, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। तो फ्रेंड, अगर आप हमारे चैनल में नए हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, और हमारे चैनल में भी आप नए आए हैं तो लाइक और सब्सक्राइब करिए, जिससे कि हमारे नए वीडियो आपको तुरंत मिलेंगे। तो आप देख सकते हैं ये अभी भी लोगों पे है, तो चलिए स्टेप बाय स्टेप इसके सोल्यूशन को करते हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। तो फ्रेंड, जैसा कि आपने देखा, मैंने आपको सारी चीज़ें यहाँ पे करके दिखाई दी है। तो मैं UMT यूज़ करने वाला हूँ फ्रेंड्स, और UMT यूज़ करके आपको सारी चीज़ें यहाँ पे करके दिखाने वाला हूँ। UMT से इसको हम सबसे पहले फ्लैश ही करते हैं, जैसा कि आपको पता है सारी चीज़ें। तो सबसे पहले तो हम इसे फ्लैश ही करेंगे, उसके बाद देखते हैं कि इसमें प्रॉब्लम सॉल्व होता है कि नहीं। तो UMT का QC फायर हम फ्रेंड्स को खोल रहे हैं, UMT का QC फायर हम इसे खोल रहे हैं, और सारी चीज़ें आपको यहाँ पे करके दिखाएंगे फ्रेंड्स। तो UMT का QC फायर खोलने के बाद हम यहाँ पे करके आपको सारा चीज़ स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाले हैं। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, तब आपको जब पता चलेगा। तो जैसा कि आपने देख ही लिया फ्रेंड्स वहाँ पे, और ये हमारा QC फायर खुल चुका है। और फ्रेंड्स, मैं और एक चीज़ बताना चाहूँगा, इसकी जो फ्लैश फाइल है, यहाँ पे हमने इसकी डाउनलोड करके रखी हुई है, आप इसकी फ्लैश फाइल को देख सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन के लिंक में डाल दूंगा, आप वहाँ से जा करके वहाँ पे देख सकते हैं। तो ये रॉ प्रोग्रामर हमारी फाइल भी है यहाँ पे फ्रेंड्स। तो चलिए, और एक चीज़ और, हमेशा आप काम कर रहे हैं तो पैलर ओके हो चुका है, हमारा साइड में ड्राइवर भी बना हुआ है, और ये फ़ोन भी हमारा कनेक्टेड है। मैं आपको यहाँ पर करके सारी चीज़ें दिखाने वाला हूँ कि एक्चुअल में होता है कि नहीं होता है। और ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं कि, और आप प्रॉपरली देखेंगे सारी चीज़ें, और हम तो स्टेप बाय स्टेप सारी चीज़ें करने ही वाले हैं। और आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारा ये कनेक्ट हो चुका है, और हमारा ये मॉडेम S2 की फ़ाइल जो होती है, ये हमारी IMEI की फ़ाइल होती है, जो कि वो स्किप हो चुकी है। आप इस टूल को यूज़ करेंगे तो सबसे बेनिफिट्स ये होता है कि प्रोटेक्ट IMEI का एक ऑप्शन होता है, तो यहाँ पर ये कम्प्लीटली। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आपने देखा, हमने UMT से किया, UMT में एरर आ गया, मतलब फ्लैशिंग हो गया, कोई एरर नहीं आया। तो हम UEFI से कर रहे हैं, और UEFI से हमने MMC को निकाल के आइडेंटिफाई कर दिया है। तो सारी चीज़ें आप देख सकते हैं यहाँ पे 90% कंज्यूम है, इसलिए हम कभी भी कितना भी एरर करें तो हमारा एरर आएगा ही आएगा। तो सबसे पहले हमें इसका डंप लेना है, हाफ डंप लेना है, कभी भी फुल डंप नहीं लेना है, हम इसको हाफ डंप लेंगे। तो हाफ डंप लेने के लिए हमें उसको 512 सेलेक्ट करना होगा, ऑटो में जा कर के 512 सेलेक्ट करना होगा, और रीड पे क्लिक करना होगा। उसके बाद फ्रेंड्स, जैसे ही हमारी फ़ाइल रीड हो जाएगी, तो उसके बाद हमें सिक्योरिटी की फ़ाइल और नेटवर्क फ़ाइल को भी रीड करना होगा। तो ये सारी चीज़ें हम आपके सामने कर रहे हैं, क्यों कर रहे थे फ्रेंड्स, क्योंकि एरर आया, एरर तो नहीं आया बट फ्लैश नहीं हुआ, और फ्लैशिंग के बाद वो एरर आ रहा है। तो 100% उसमें 90% IC कंज्यूम हो गई थी, 90% हेल्थ कंज्यूम हो चुका था। तो अब ये बैकअप हमारा रीड हो जाएगा फ्रेंड्स, उसके बाद हम सारी चीज़ स्टेप बाय स्टेप करने वाले हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, और ये हमारा बैकअप हो रहा है, उसके बाद हम इसके बैकअप फाइल को, एक डंप है जो कि हम इसका डंप का बैकअप ले रहे हैं, और जैसे ही हो जाएगा हम यहाँ पे काम करने वाले हैं। तो हमने 512 का डंप लिया है, उसके बाद हम क्या करेंगे फ्रेंड्स, उसके बाद इसकी सिक्योरिटी की फ़ाइल और इसकी नेटवर्क की फ़ाइल, हम उसको भी बैकअप लेंगे। तो उसके बाद हम, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूज़र पार्ट में जाने के बाद हम इसकी नेटवर्क की फ़ाइल और IMEI की फ़ाइल को रीड करेंगे। तो हम यहाँ पे उसकी IMEI की फ़ाइल और सिक्योरिटी और नेटवर्क की फ़ाइल को रीड कर रहे हैं फ्रेंड्स। और रीड करने के बाद अब हमें क्या करना है, इसकी हेल्थ सुधारनी है।
तो हम जाएंगे वहाँ पे, और वहाँ पे पहले हम इसकी हेल्थ को रिपेयर कर देंगे, और हेल्थ रिपेयर करने के बाद ये हमारी देख सकते हैं, ये हमारी जो बैकअप फाइल है, जो हमने रीड की हुई फाइलें हैं हमारी ये, तो अब हमें ये हमारा जो हमने उसका फाइल डंप लिया था, हाफ डंप लिया था, अब उसके बाद हमने हेल्थ रिपोर्ट को सुधारने के बाद मैं, क्योंकि अगर मैं प्रॉपर वीडियो डालता तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाती है फ्रेंड, तो इसलिए मैं वीडियो को थोड़ा सा शॉर्ट करके वीडियो को बनाया हुआ हूँ। तो हेल्थ रिपोर्ट जैसा कि आप देख सकते हैं, हेल्थ सुधारने के बाद आपको क्या करना है, डंप को वापस, जो आपने डंप हमने रीड किया था उसी डंप को हम वापस से राइट करेंगे और फॉर्मेट कर देंगे। फॉर्मेट करने के बाद हम हेल्थ सुधार देंगे और उसके बाद हम राइट कर देंगे। तो जो हमने डंप लिया था फ्रेंड्स, उस डंप को हम राइट कर रहे हैं। उसके बाद राइट करने के बाद आपको आइडेंटिफाई करना है, और जैसे ये राइट हो जाएगा फ्रेंड्स, राइट होने के बाद आपको फुल डंप, हमने क्या किया जो यहाँ पे था, यहाँ पे हमने फुल डंप किया है, जिसमें फुल डंप में क्या होता है, हमारी जो एंड्रॉयड इन्फॉर्मेशन है, सॉफ्टवेयर है उसका, सिस्टम की फाइल है, वो सारी आ जाएगी फ्रेंड्स। तो हमने वहाँ पे हाफ डंप के, जो हमने हाफ डंप किया था, उसके बाद हमने क्या किया है, इस फ़ोन का प्रॉपर फुल डंप, पहले से रीड किया हुआ फुल डंप था हमारे पास, तो हमने प्रॉपर इसमें क्या किया है, फुल डंप डाल दिया है, रीड किया हुआ, टेस्टेड रीड किया हुआ, एक चालू फ़ोन का, सही फ़ोन का हमने यहाँ पे फुल डंप डाल दिया है। तो ऐसे ही आपके पास कभी भी फ़ोन आए फ्रेंड, तो आप बिल्कुल उस फ़ोन को MMC को खोल करके आप उसका फुल डंप ले करके किसी भी एनी डेड फ़ोन में, डेड बूट रिपेयर में आप उसको बहुत ही इजी तरीके से काम कर सकते हैं। तो हमने भी यही किया है फ्रेंड्स, इसमें फुल डंप डाला है, जिसमें हमें अलग से कोई भी फाइल डालने की ज़रूरत नहीं है, कोई भी फ्लैशिंग करने की अलग से ज़रूरत नहीं है। तो जब ये हमारा प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा, आप देख सकते हैं एंड्रॉयड इन्फॉर्मेशन साइड में आप आइडेंटिफाई करेंगे, आइडेंटिफाई करने के बाद हमारा देखिए एंड्रॉयड वर्जन नीचे जो हमारा शो हो रहा है 6.1, ये हमारा एंड्रॉयड इन्फॉर्मेशन शो हो रहा है फ्रेंड, जैसा कि आप देख सकते हो। अब उसके बाद हमें क्या करना है, जैसे ही हमारा फुल डंप हो जाएगा, उसके बाद हमने जो सिक्योरिटी फाइल ली थी और इसकी जो नेटवर्क की फाइल थी, हम उसको रिप्लेस करेंगे। तो हमारी जो सिक्योरिटी की फाइलें हैं और हमारी जो नेटवर्क की फाइलें हैं, हम उस फाइलों को रिप्लेस कर रहे हैं, जिससे इसका प्रॉपर जेन्युइन IMEI आ जाए, विथ IMEI के साथ। तो फ्रेंड हम इसकी फाइलों को रिप्लेस कर रहे हैं, तो हम इसकी जेन्युइन फाइलों को हम रिप्लेस कर रहे हैं, और रिप्लेस करने के बाद हम राइट कर देंगे, क्योंकि ये फाइल तब आपके पास टेस्टेड थी जब हमने इसको हेल्थ रिपेयर करने थे, उससे पहले हमने रीड कर ली थी, डंप के बाद हमने इसको रीड कर ली थी। तो हमने राइट कर दिया, राइट करने के बाद फ्रेंड आइडेंटिफाई करना है आपको, आइडेंटिफाई करने के बाद आपको स्पेशल टास्क में जा कर के फैक्ट्री रिसेट करना है, क्योंकि बहुत से सब कुछ होने के बाद भी नहीं होता है, तो ये हमने आइडेंटिफाई कर दिया है। अब फ्रेंड्स हमें क्या करना है, स्पेशल टास्क में जाना है, और स्पेशल टास्क में जाने के बाद फैक्ट्री रिसेट कर देना है। फैक्ट्री रिसेट होने के बाद आपकी जो साइज़ है, वो जो यूज़र डाटा की साइज़ है, वो हमारा सेम हो जाएगा, जो भी होगी हमारा यूज़र डाटा और इंटरनल स्टोरेज हमारी सेम होनी चाहिए। तो आई होप अगर वीडियो हमारी अच्छी लग रही होगी तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें फ्रेंड्स। तो ऐसे ही मैं आपके लिए हमेशा कंटेंट एक लेकर के आता रहूँगा। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, क्योंकि अगर अच्छी लगी है तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें फ्रेंड्स। तो ये जैसे ही कंप्लीट हो जाएगा, अब उसके बाद हम निकालेंगे और बोर्ड में फिक्स करेंगे, और सारी चीज़ें आपको हम करके स्टेप बाय स्टेप करके दिखाने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। तो फाइनली आप देख सकते हैं ये फ़ोन हमारा ऑन हो चुका है, ये वही फ़ोन है जैसा कि हमने आपको काम करके सारी चीज़ें दिखाई हुई हैं। तो आप जैसा कि हमेशा आप YouTube में देखते हैं, आप कहीं भी देखते हैं, आप फ्लैश करते हैं, फ्लैशिंग में एरर आता है, तो आप ये टूल वो टूल बहुत सारी चीज़ें आप ट्राई करते हैं फिर भी आपका नहीं होता है।
तो ये प्रॉपर नॉलेज होने के ना कारण ये ऐसा कारण होता है कि आप उससे बार बार फ्लैश करते एरर आता है। आपको एरर को फॉल्ट आप कितनी बार भी फ्लैश करेंगे टेस्ट पॉइंट को भी उखाड़ देंगे। तो आप देख सकते हैं किसी टेक्नीशियन ने इसमें रंगा का भी यूज़ किया हुआ है इसके टेस्ट पॉइंट पे। तो फिलहाल ऐसा कुछ भी नहीं है। तो मतलब जो एरर आ रहा है उसको फाइंड करना आपको पता होना चाहिए, बूट कर रहा है फ्रेंड्स। तो मैं आपको लास्ट तक दिखाऊंगा कि हमारा काम हुआ कि नहीं हुआ। तो ये वही फ़ोन है। सीपीयू पे नहीं तो आ रहा। इसको हमने क्या किया है कि इसको हमने निकाल करके रिप्रोग्रामिंग की है। इसकी 90% जो कंज्यूम थी आपको हमने दिखाया भी है। तो फाइनली ये हमारा हो चुका है, ये बूट कर रहा है। तो जैसे ही हो जाता है मैं आपको यहाँ पे फाइनल टच दिखाता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं फाइनली हमारा ये फ़ोन ऑन हो चुका है। तो हम इसे फाइनल आपको चालू करके दिखा देते हैं। वो वही फ़ोन है फ्रेंड्स, और आप देख सकते हैं यहाँ पे ये हमारा कम्प्लीटली प्रोसेस हो चुका है। तो फ्रेंड्स कोई बात नहीं, ये फ़ोन हमारा प्रॉपरली ऑन हो चुका है। इसमें FRP भी लगा हुआ है। तो ऐसा आप बने रहेंगे, हम इसकी FRP भी आपको करके दिखा देंगे फ्रेंड्स। और ये हमारी कंप्लीट हो चुका है। तो ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। Promise that you never